हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ब्रेकफास्ट में और डिनर में करने के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज मैं आप लोग लेकर के आई हूँ चावल और दाल के बनने वाले अप्पे, जिसमें हम लोग ढेर सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे और बहुत ही कम ऑयल में। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता है ना, ये बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है ये, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही कम टाइम में। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता है ना, ये बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चटनी की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मूंगफली। मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया है और इसके ऊपर की जो स्किन होती है ना, वो मैंने निकाल ली है। लहसुन लिया है मैंने 3 से 4, ग्रीन चिली लिया है और हरा धनिया लिया है। हरा धनिया का जो डंठल होता है ना, इसको मैंने अलग नहीं किया है, इसे भी हम साथ में ही पीस लेंगे। तो मैंने मिक्सर के जार में सभी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक और थोड़ा सा ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और पानी डाल के हाँ हम इस चटनी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, जो चटनी है ना, चटनी को मैंने पीस दिया है और इसे मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, थोड़ा सा मैंने इसको ठीक ही रखा है। तो अब इसके लिए भी तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तड़का पहन लिया है। इसमें डाल देंगे ऑयल। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, पर आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे राई, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चना की दाल, और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें उड़द की दाल। सभी चीज़ों को यहाँ पे हम भून लेंगे। लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को भी हल्का सा भून लेंगे ऑयल में। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बंद कर देंगे, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे चटनी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो जो रेड चिली पाउडर है उसे लास्ट में ऐड करें। तो बस हम देखिए, जो तड़का है ये रेडी है। इसको डाल देंगे हम चटनी में। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स है तो आप वो भी इसमें ऐड करें। तो देखिए भाई, जो चटनी है ना मूंगफली की, ये बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट ये बन के रेडी हो जाती है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस अप्पे के साथ। ये चटनी की जो रेसिपी होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम अप्पे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर लिया हुआ है मैंने इडली का बैटर, जिससे हम लोग इडली डोसा बनाते हैं ना, यहाँ पे उसी बैटर का यूज़ हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैटर को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। जैसे हम लोग इडली बनाने के लिए बैटर को ठीक रखते हैं ना, वैसा ही ठीक बैटर होना चाहिए अप्पे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो बैटर ये रेडी है। अगर आपके पास इडली बैटर बचा हुआ है तो आप उससे इस रेसिपी को बना सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर आप ये बैटर आप कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने चावल, ये रेगुलर चावल है जो हम लोग डेली घरों में खाते हैं। इसको मैंने भिगो के रख दिया था 3 से 4 घंटे। देखिए अच्छे तरीके से ये फूल गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना 1 कप लिया था, इसी कप से मैंने 3 कप चावल और 1 कप मैंने उड़द की दाल ली थी, और 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिया था। भिगो के रख दिया मैंने 4 से 5 घंटे के लिए, और देखिए दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल गई हैं। और यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है। तो देख सकते हैं कि इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, आप इसे गाढ़ा ही पीसिएगा। तो अब इसको हम ढक के रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से ये फूल जाए। तो मैंने इसे भी नमक नहीं ऐड किया है। अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आपका बैटर नहीं फूलता है तो आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। इसी समय पर बेकिंग सोडा डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें और ढक के रख दें 10 से 12 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ढक दिया है 12 घंटे के लिए, कम से कम किसी गर्म जगह पर रखें। तो 12 घंटे हो गए थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये देखिए, जो बैटर है ना, ये फूल चुका है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। इस तरीके से जब आप अप्पे बनाएंगे ना, तो आपके अप्पे जो है ना, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनते हैं इस तरीके से अप्पे। और आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि जो बैटर है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से परमानेंट हो चुका है। और मैंने इसे टोटल 12 घंटे के लिए रखा था गर्म जगह पे। तो मैंने ना इसे माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था। तो ये और भी अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो यहाँ पे जो बैटर है ये रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक मैंने नहीं ऐड किया था बैटर में, तो मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह पे ग्रीन चिली या रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याज ऐड कर देंगे, गाजर लिया है मैंने ग्रेट करके, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे।
आप इसमें चाहे तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ना ऐड करें, इसको ऐसे ठीक रहने दें। यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून सरसों। जीरा ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। 1 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ चने की दाल, और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें उड़द की दाल। ये जो तड़का है ना फ्रेंड्स, ये सब्जी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये तड़का है ये रेडी हो गया है। थोड़ी देर इसको हम ऐसे भून लेंगे। तो बस देखिए फटाफट ये जो तड़का है ना ये बनके रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। अब इस तड़के को हम डाल देंगे इस अप्पे के बैटर में, डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और दूसरी साइड मैंने एक अप्पे पैन भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बस देखिए ये बैटर जो है रेडी हो गया है। अगर आपके पास इडली बैटर बचा हुआ है तो आपको ये नाश्ता बनाने में बस मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अप्पे पैन को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसको अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ऑयल ब्रश का यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम ऑयल का यूज़ मैंने किया है फ्रेंड्स इसमें। अब इसमें हम ये बैटर डाल देंगे, और बैटर को फ्रेंड्स आपको पूरा ऊपर तक डालना है। अच्छे से आप इसको भर दें, तभी आपके जो अप्पे हैं ना बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और प्लफी बनेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पर अप्पे को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सारा मैंने जो बैटर है ना वो डाल दिया है पैन में। अब इसको हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गया था, और देख सकते हैं कि ऊपर से ना ये ड्राई हो चुका है। जब ऊपर से ड्राई हो जाए ना उसके बाद ही आप इसे पलटिएगा। तो मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर से इस पर। अब इसको हम देखिए इस तरीके से टर्न कर लेंगे, और देखिए नीचे की साइड से कितने अच्छे तरीके से सिक चुके हैं अप्पे। तो बस इसको पलट करके दूसरी साइड से भी इसे सेक लेना है मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि अप्पो का जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आया है। तो बस अब इसको ढक देते हैं, और दूसरी साइड से भी इसको हम सिकने देते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स टोटल 4 मिनट हो गए थे, और बीच में मैंने इसको एक बार चेक किया था। तो अब देखिए जो अप्पे हैं ना ये बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी की जो अप्पे है ना उसे भी बना लेंगे। तो जब भी आप अप्पे बनाएं ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, और बैटर को आप बहुत ज़्यादा पतला ना करें। और जब आप अप्पे पैन में बैटर डालें तो बैटर को पूरा भर के डालें। यहाँ देखिए हमारा एक बैच जो है रेडी हो गया है। तो हम सेकेंड बैच बनाएंगे, उससे पहले यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पैन में। ऑयल डाल करके और यहाँ पे जो सेकेंड बैच है इसको भी हम डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं पूरा इसमें जो बैटर है ना ये पूरा आपको ऊपर तक फील करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो सेकेंड बैच है ना ये भी बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप इस अप्पे को ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं, या फिर रात के डिनर में अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है तो आप इसे बना के खा सकते हैं। टेस्टी भी है, साथ में ये हेल्दी भी बहुत है। जो भी आपको सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑयल का यूज़ बहुत ही कम होता है। तो जब भी आपके पास इडली बैटर बचा हो और आपका इडली डोसा बनाने का ना मन करे तो आप इस तरीके से इस अप्पे को बना के ज़रूर खाइएगा। और आप इन्हें बच्चों की टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी है ये, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।
मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।